राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। जो सत्ता में रहकर कभी शक्तिमान बने फिरते थे वो अब जेल में बैठकर छटपटा रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं अतीक अहमद, और उनकी छटपटाहट चुनावी मौसम में कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। इसे समय का फेर ही कहिए जनाब, एक वक्त में बाहुबली माफिया अतीक अहमद की जेब में पूर्वांचल की 14 विधानसभा सीटें रहा करती थी, लेकिन आज वही अतीक अहमद खुद अपनी पत्नी की जीत के लिए 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की जेल में बैठा छटपटा रहा है। जिस प्रयागराज शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से अतीक की पत्नी शाइस्ता AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में है, उसी सीट से अतीक लगातार 5 बार जीत हासिल कर अपने रसूख का लोहा मनवा चुका है। लेकिन वक्त की मार के आगे अब ना तो अतीक का रसूख बचा है और ना ही मजबूत पकड़। अतीक के सियासी सफर पर नजर डालें तो बाहुबली माफिया अतीक अहमद इलाहाबाद के शहर पश्चिमी सीट से लगातार 5 बार विधायक रहा है। अतीक ने पहला चुनाव 1989 में इलाहाबाद के शहर पश्चिमी सीट से निर्दलीय लड़ा था और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1993 तक अतीक अहमद इसी सीट से लगातार 3 बार निर्दलीय जीतता रहा। अतीक 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर फिर विधायक चुना गया। 2002 में अतीक ने अपना दल का दामन थाम लिया और चुनाव लड़कर जीत हासिल की। अतीक ने 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। 2012 के विधानसभा चुनाव को याद करिएगा, जब प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उस वक्त अतीक अहमद ने पूर्वांचल की 14 सीटों पर अपने हिसाब से प्रत्याशी उतरवाए थे और जीत दर्ज कर अपनी सपा में एक खास पहचान बनाई थी। तब इलाहाबाद की 8 सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया था और इसी वजह से अतीक को सपा में तवज्जो मिल रही थी। हालांकि 2017 के चुनाव में BJP की आंधी तले सब ढह गया और धीरे धीरे अतीक की पकड़ भी ढीली पड़ गई। उधर सपा सरकार में अतीक ने अपनी दबंगई के बल पर शहर के कई हिस्सों में हजारों करोड़ की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया था, लेकिन सत्ता जाते ही अतीक की कमर टूट गई। योगी सरकार ने अतीक की माफियागिरी पर जमकर बुलडोजर चलवाए और करोड़ों के आर्थिक नुकसान के सहारे उसके रसूख को भी जमींदोज कर दिया। इसी मसले पर अतीक के बेटे अली ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमारे पिता ने एक समय में सपा को 14 सीटें जीत कर दी थी, लेकिन आज जब हमारे घर गिराए गए, हमारी जमीनों पर सरकारी बुलडोजर चलवाए गए, तो अखिलेश यादव ने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल अतीक जेल में है और शाइस्ता परिवार समेत करेली में अपनी माँ के घर पर रहने को मजबूर है। लेकिन राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। सत्ता का परिवर्तन कुछ भी बदलने की ताकत रखता है।